कल बेटा हम बात कर रहे थे बेटा रक्त परिशुद्धता के बारे में कि मनुष्य में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार। मैं इसलिए आगे बताऊंगा कि मानव में परिसंचरण दोहरा रक्त परिसंचरण। वो दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है? डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी। तो डबल सर्कुलेशन क्या है मैं आपको बात बताऊंगा। अभी मैंने जिससे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मानव में बंद रक्त परिसंचरण होता है। इसका मतलब कि मानव का जो रक्त है वो बंद नलिकाओं में बहता है, बंद रक्त नलिकाओं में बहता है। ये बेटा अभी पुलिस के बालों को पढ़ाया था, पुलिस लिखा जिन्होंने आर एस स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा हो या जो ब्लास्टोसिस गर्भकरण आर एस कारक नहीं पढ़े वो भी वीडियो को देख सकते हैं यदि थोड़ा इंग्लिश को समझ सकते। बाकी हिंदी वीडियो में भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश पेपर चल रहा है। तो बेटा जो हम पढ़ रहे थे रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनियों में मैंने आपको बता दिया था धमनी और शिरा की वाहिनी है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। धमनी शिरा में अंतर क्या है, उस अंतर को मैंने आपको क्लियर समझा दिया चार पॉइंटों में कि धमनी और जो शिरा है दोनों की रक्तवाहिनियां हैं और ये जो रक्तवाहिनी है इनमें ब्लड हृदय जब पंप करता है ब्लड को तो नलिकाओं में रुधिर बहता है और नलिकाओं में रुधिर बहने के कारण ही कहा जाता है कि मानव में बंद रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रक्त परिसंचरण में रक्त हृदय और रक्त वाहिनियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो हमने रक्त परिसंचरण के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया बेटा, मैंने आपको लिखवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे, मैंने रक्त वाहिनी पढ़ा दिया आपको, रक्त पढ़ा दिया, क्या बचा? हृदय। मैंने रक्त परिसंचरण में रक्त, रक्त वाहिनी और हृदय तीनों मिलकर काम करते हैं। तो आपको मैं रक्त पढ़ा चुका हूँ, रक्त वाहिनी पढ़ा चुका हूँ और आज हार्ट की बात कर रहा हूँ, हृदय की बात कर रहा हूँ। आज आपको हृदय पढ़ाऊंगा। रक्त वाहिनी में आपने धमनी और शिरा में अंतर पढ़ लिया, महाधमनी महाशिरा के बारे में बता दिया कि धमनियों से बड़ी महाधमनी होती है जो शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाती है। इसी तरह शिराओं से बड़ी महाशिरा होती है जो सभी अंगों से रुधिर को हृदय में लेकर आती है। धमनियों का काम है रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाना, शिराओं का काम है शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाना। और एक बेटा मैंने बताई थी आपको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, तो सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है क्योंकि यह हृदय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है शुद्ध होने के लिए। इस तरह शिराओं में सभी में अशुद्ध रुधिर है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ हृदय की संरचना, एक नए टॉपिक के साथ हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पेशी ऊतकों से बना माशल खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। ठीक है, और यह मानव हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य से थोड़ा बाई ओर झुका हुआ रहता है। हृदय के ऊपर आवरण पाया जाता है जिसे हृदयावरण कहते हैं और यह हृदयावरण दोहरी झिल्लियों से बना होता है। इन्हें दोहरी झिल्ली, दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो हृदयावरण बनाता है। इस प्रकार हृदय के अंदर हृदयावरण में हृदयावरणीय द्रव भरा होता है। यह द्रव हृदय की बाहरी जो आघात है, चोट है, उनसे सुरक्षा करता है। तो बेटा आज मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा।
हर्ट का नाम हम एक चित्र बनाकर हम उसका अध्ययन करेंगे। नॉर्मली आप जानते हैं कि मानव का जो हृदय है वो चार कोष्ठों का बना होता है। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 chambers representing human heart। मानव के जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 2 ventricles and 2 arteries, 2 ventricles and 2 arteries, 2 आलिंद और 2 निलय। आर्ट्रियम आलिंदों को कहते हैं, वेंट्रिकल निलयों को कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट, 2 दाईं ओर 2 बाईं ओर। अपर साइड आलिंद, लोअर साइड निलय। ऊपर की ओर आलिंद है और नीचे की ओर निलय है। आलिंद चौड़े हैं, निलय सकड़े हैं, लेकिन आलिंदों की दीवार, निलयों की दीवार आलिंदों से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि निलयों का प्रकुंच दाब आलिंदों से अधिक होता है। आलिंद और निलयों के बीच में द्विबलन और त्रिबलन कपाट पाए जाते हैं, और इन कपाटों का काम है आलिंदों से रुधिर को निलय में आना, लेकिन निलय से आलिंदों में नहीं जाने देता है। और जो महाधमनी महाशिराएं पाई जाती है, इनमें अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती है, ढक्कन पाए जाते हैं जिन्हें कपाट कहते हैं, और इन कपाटों के द्वारा ये रुधिर को केवल एक दिशात्मक होता है ताकि रुधिर एक दिशा में बहे। ऐसे नहीं कि रुधिर उस नलिका से जा भी रहा है और आ भी रहा है, केवल एक दिशा रुधिर प्रवाह करने के लिए यहाँ पर द्विबलन कपाट, त्रिबलन कपाट, अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती है। तो ये सब जो बातें हैं मैं आप हर्ट में, हर्ट के नामक के चित्र में ये सब बातें आपको बताऊंगा, ठीक है? और आप ध्यान से जो आप देखेंगे वो उसकी संरचना है, फिर मैं आपको उसकी कार्य की बारे में आपको देख सकता हूँ। यहाँ आप ध्यान देना, यदि आप चित्र को किताब की तरह देखेंगे तो आपको ठीक समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक पार्ट समझाने के लिए हर्ट का चित्र में मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, मेरी तरफ से बना रहा हूँ, इसी चित्र को आप सीखे, क्योंकि इससे आप संरचना भी सीख पाओगे और संरचना के अलावा आप इसके बारे में समझ पाएंगे कौन सा कैसे काम करता है। तो बेटा ये हमारा दायां भाग है और इधर हमारा बायां भाग है। जब हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये बायां भाग, ये दायां भाग, लेकिन जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ये दायां भाग, ये बायां भाग। तो आज हम इधर से अध्ययन करते हैं। ये हार्ट, ऊपर के पार्ट छोटे चैम्बर है, नीचे का पार्ट बड़ा चैम्बर है, वो किस प्रकार है इसको आप समझ। यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है वो शुद्ध होने के लिए कौन हो जाता है,
ये त्रिवर्ण का पार्ट है, राइट साइड यहाँ से आता है इसमें, तो यहाँ से जो रुधिर है कैसा रुधिर है, स्योग युग, यहाँ रुधिर आता है स्योग युग, ठीक है। और यहाँ से जो गण है वो इस नलिका के द्वारा, इस नलिका के द्वारा यहाँ पर अब चंद्राकार का पाठ पड़ जाते हैं, और इस नलिका से जो गण है वो कुछ धमनी के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों के द्वारा। तो यहाँ जैसे क्या है फेफड़े, ठीक है, यहाँ फेफड़ों में गण आता है, तो यहाँ से शुद्धिकरण के बाद यहाँ शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। यहाँ से शुद्धिकरण के बाद जो रक्त है वो ओटू युक्त रक्त आ जाता है और कुछ रक्त के माध्यम से दाएं आलिंद, और दाएं आलिंद से यह रुधिर द्विवलन कपाट के द्वारा आ जाता है बाएं लय के अंदर, और बाएं लय से फिर महाधमनी युक्त रक्त, बाएं लय से महाधमनी निकलती है, और इस महाधमनी के द्वारा यह जो रुधिर है, यह रुधिर महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। ब्लड के साथ आता है CO2, ठीक है, और इसको हम कहेंगे क्या, दायां आलिंद। एक एक भाग देखते रहिएगा, ये दायां आलिंद है, और दायें आलिंद और दायें लेने के बीच जो ये कपाट पाया जाता है, इस कपाट को कहते हैं त्रिवलन कपाट, मींस ट्राई कस्पिड वॉल, ट्राई कस्पिड वॉल, इसे हम कहेंगे दायां नलिका। दायां नलिका, और ये है, ये जो आलिंदों को दो भाग में करने वाला, ये है अंतर आलिंद पट, और ये है अंतर नलिका पट। Yeah.
तरह इन दोनों आदेशों को बांटने वाला पट है ये, जिसको आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसका नाम है अंतर आलिंगन पट, ठीक है। आलिंगन जिले के मध्य बाई साइड पर पाए जाते हैं, लेकिन द्विबलन कपाट, द्विबलन कपाट और नीचे का भाग कहलाएगा बड़ा भाग बाया आलिंग, बाया आलिंग और बाई आलिंग से जो रुधिर पूरे शरीर में जाता है इसे कहते हैं महाग्नि। इसे क्या कहेंगे? महाग्नि। और महाग्नि में से नलिकाएं निकलती हैं, इसको मैं नाम दूंगा महाग्नि या नलिका दैहिक चाप भी कहते हैं। ये पूरे शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम करती है। ये बेटा आपके सामने मैंने मानव हृदय का जो चित्र है वो बनाया। इस मानव हृदय को आप ध्यान से समझें और मानव हृदय को समझने के बाद आप इसके पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं बताऊं आप उसको स्टडी करें, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो हृदय वर्णी है ये हृदय आवरण है, हृदय आवरण के अंदर जो द्रव है वो हृदय वर्णी द्रव है। समझे और यदि आप इसको एक बार समझ गए तो बेटा ये 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। आप डायग्राम
बुक में से बनाने की बजाय इस डायग्राम को रिपीट करना एक बार, दो बार, तीन बार, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा हृदय की संरचना, और इसको देखकर मैं आपको हृदय की क्रिया विधि भी पढ़ाऊंगा। इसी से समझ में आ जाएगा आपके कि हृदय की क्रिया विधि क्या है। मैं चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। लिखने का काम तो सिर्फ किताबों में बहुत है, समझने वाली बात होती है कि मानव जो हृदय कार्य कैसे करता है। मानव के हृदय में परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, समझने वाली बात है। समझना क्या कि मानव शरीर से मैंने पूरा जो दिख रहा है समझा, ठीक है, एक बार लिखना चाहे तो लिख लें, लिखा देता हूं आपको। लिखिए पता, लिखिए मानव हृदय मांसपेशियों से बना, मांसपेशियों से बना बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण, यह एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से घिरा रहता है। मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, दो ऊपरी कोष्ठ, दो ऊपरी कोष्ठ जिन्हें आलिंद आलिंद आर्टियम आलिंद तथा दो निचले कोष्ठ, कोष्ठ को कक्ष भी कह सकते हो आप, दो निचले कोष्ठ निलय होते हैं, निलय होते हैं। आलिंदों की तुलना में निलयों का आकार, निलयों का आकार बड़ा होता है। दोनों आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट, यानी आलिंद को दो भागों में कर दिया दीवार, दोनों आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट तथा दोनों निलयों के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य देखो बाल लगे हुए ताकि आलिंदों का रुधिर निलय में नहीं आए और निलय का रुधिर आलिंदों में नहीं आए। ये एक दिशा में रुधिर बहता है, शरीर से रुधिर आलिंदों में आता है, आलिंदों से निलयों में जाता है, निलयों से फिर शरीर में जाता है। यदि हम देखें अशुद्ध रुधिर आएगा दाएं आलिंद में, शुद्ध आएगा बाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद का दाएं निलय में, बाएं आलिंद का बाएं निलय में, फिर दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए जाएगा उपकल धमनी से फेफड़ों में, और दाएं बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा जाएगा शरीर में, फिर शरीर से आलिंद में, फिर निलय में, फिर फेफड़ों में, फिर आलिंद में, फिर निलय में, फिर शरीर में, फिर हृदय में। मतलब ये क्रम लगातार चलता रहता है, और हृदय को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, इसलिए मानव रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है, इसलिए दोहरा परिसंचरण कहेंगे। तो मैं कहां तक आ गया, हाँ यहां तक कि दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट पाया जाता है, ट्राई कस्पिड वाल,
इसी प्रकार वाय अलिंद वे वाय निलेटी मध्य द्विवलन कपाट पाया जाता है, द्विवलन कपाट पाया जाता है। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। कपाट के खुलने वह बंद होने, कपाट के खुलने वह बंद होने से लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, जब किसी का रक्त दाब नापते हैं स्पाइक्रोमैनोमीटर से, तो यहां पे पट्टा लगा के स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर जब सुनता है तो वो लब डब की ध्वनि चेक करता है उससे, तब बताएगा ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये लब डब की ध्वनि सुनते हैं उससे। कई लोग लगा कर लेते हैं, पता नहीं सुन क्या रहे, उसमें कोई गाना सुन, लेकिन वो ध्वनि जो हमारी इस कपाटों की ध्वनि है लब डब, उस ध्वनि को उसके द्वारा सुन के पता लगाती है कि ब्लड प्रेशर कितना है, कितने पे रीडिंग शुरू हुई, कितने पर रीडिंग बंद हुई, वही रक्तदाब होता है। ठीक है, तो यहाँ आप इसकी संरचना को समझ पा रहे हैं, और संरचना को समझ करके हम इसकी क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं वो इसकी संरचना है, हा? जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसकी संरचना है, और जो उसके कार्य प्रणाली आप जो समझेंगे, जो इसकी क्रियाविधि समझेंगे कि ये कार्य किस प्रकार करता है, वो उसकी कार्यविधि है। तो कार्यविधि आपको मैं एक बार समझा देता हूं, लिखाऊंगा, ध्यान दो, क्रियाविधि समझा रहा हूं। मानव शरीर के समस्त भागों से अशुद्ध रुधिर ऊपरी और निचली महाशिरा के द्वारा, ऊपरी भागों का रुधिर ऊपरी महाशिरा से, निचले भागों का रुधिर निचली महाशिरा से दाएं आलिंद में आ जाता है। रुधिर कैसा है? अशुद्ध, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाट के द्वारा रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से यह रुधिर उपकोशनलिका के द्वारा, लेकिन कब ये जब होगा, जब निलयम का दाब बहुत अधिक हो जाए, तब जाकर प्रकुंचन दाब निलयम का बढ़ने से यह रुधिर निलयों से उपकोशनलिका में होकर एग्लोमेरुलर में पहुंचे। ठीक है, रुधिर तो एक साथ निकलेगा दाएं बाएं का, तो दाएं आलिंद का रुधिर तो उपकोशनलिका से एग्लोमेरुलर पहुंचता है, और बाएं निलय का पहुंचेगा महाधमनी से शरीर में। लेकिन मैं समझा रहा हूं ध्यान में, तो दाएं निलय से रुधिर उपकोशनलिका के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, यहां फेफड़ों की कोशिकाओं में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। यहां से रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा, जो शुद्ध रुधिर हो गया शुद्धिकरण, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद से द्विवलन कपाट के द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है, और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। शरीर के सभी भागों में पहुंचकर अब इस रक्त के साथ ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, ये सब का परिमेल होता है। तो यहाँ इस महाधमनी के द्वारा जो रुधिर है वो शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इस प्रकार मनुष्य में, मानव में हृदय कार्य करता है, और मानव शरीर में रक्त को एक चक्कर लगाने में हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, उसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। तो इस तरह देखिए बेटा, आज के वीडियो में आपको मैंने हृदय की संरचना और इसकी संरचना विभिन्न भाग और इसकी क्रियाविधि को समझाने का प्रयास किया। यदि आपकी क्रियाविधि समझ में आ गई तो आप इसको इसी तरह लिख लें, हृदय की क्रियाविधि टॉपिक डालकर। मैं एक बार और कल आपको समझा दूंगा, बाकी हम नेक्स्ट पर आगे चलेंगे अन्य क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ बेटा आज की वीडियो में केवल आपको इतना ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के अंदर इतना ही, आप पढ़ें।
आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है बेटा, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।